इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने पिपलिया हाना ब्रिज का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिए। इस ब्रिज की लोड टेस्टिंग सफल हो चुकी है और अगले महीने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसका लोकार्पण कर सकते हैं। सांसद के आईडी अध्यक्ष रहते इस ब्रिज को मंजूरी मिली थी और इसका काम शुरू हुआ था। ब्रिज आधुनिक तकनीक से बनवाया है और इसे प्रदेश का स्मार्ट ब्रिज भी कहा जा रहा है। पिपलिया हाना ओवर ब्रिज पर जायंट्स के बीच झटके नहीं लगेंगे, साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से भी इंजीनियरिंग का विशेष ध्यान रखा गया है। इस ब्रिज के नीचे लैंडस्केपिंग के जरिए इसकी खूबसूरती को निखारा जाएगा। इस ब्रिज से बारिश के पानी की एक बूंद भी व्यर्थ नहीं होगी और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए इसे सीधे जमीन में उतार दिया जाएगा। लॉकडाउन से पहले इस ब्रिज का प्रस्ताव पास कर काम शुरू हुआ था। बीच में लॉकडाउन की वजह से काम की रफ्तार पर कुछ असर जरूर पड़ा, लेकिन अब ये पूर्णता की ओर है। इस ब्रिज का भूमि पूजन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था। इंदौर ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। रिंग रोड पिपलियाना चौराहे पर इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा फ्लाईओवर का निर्माण कार्य किया जा रहा है और ये फ्लाईओवर अब पूर्णता की ओर है। जब इसका निर्माण शुरू हुआ था उस समय इंदौर विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष था और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इसका भूमि पूजन किया था। उस समय मैंने ये बात कही थी कि ये मध्य प्रदेश का स्मार्ट ब्रिज बनने वाला है और संभवतः स्मार्ट बनेगा। कुछ आवश्यक निर्देश थे वो इंदौर विकास प्राधिकरण के अधिकारी को दिए हैं। ब्रिज के नीचे लैंडस्केपिंग, गार्डन, इसके साथ साथ वाटर रिचार्जिंग की विशेष व्यवस्था की गई क्योंकि आसपास का पानी इकट्ठा होता है और स्टॉर्म वाटर ड्रेन का बगीचों में उपयोग करना, इस प्रकार की रीयूज ऑफ वाटर जो कि हमारे नगर निगम आह्वान कर रही है उसको ध्यान में रखते हुए कहा गया है। स्मार्ट लाइट लगाई गई है और स्मार्ट ब्रिज में बहुत सारी चीज़ों का इस बार ध्यान रखा गया। कलर स्कीम आपको अच्छी दिखने को मिलेगी। हमने फ्लाईओवर पे इस प्रकार स्पान बड़े रखे हैं और आपको बीच में धचके भी नहीं लगेंगे, तो उन सब बातों का ध्यान रखा गया जो एक स्मार्ट ब्रिज में होना चाहिए। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से काम अंतिम चरणों में, क्योंकि विलम्ब जरूर हुआ है कोरोना कारण, पिछले 6-7 महीनों से काम बंद था, लेकिन अब अंतिम चरणों में संभवतः अगले माह इसको जनता को समर्पित किया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।